हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो सुनने मात्र से ही रोह काम जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक ऐसे बर्फीले पर्वत में क्रैश हुआ जहां ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। बचे हुए पैसेंजर्स के पास बस एक ही रास्ता था खुद को जिंदा रखने के लिए, और वो रास्ता था अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाना। कैसे यात्री हर एक सेकेंड मौत से संघर्ष करते हुए गुजारा, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 12 अक्टूबर 1972 केरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोंटेविडो, ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन नाम के एक क्लब के कुछ प्लेयर्स रग्बी खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। टीम के कैप्टन ने 2 इंजन वाला एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लिया। प्लेन में प्लेयर्स के साथ साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी जा रहे थे मैच देखने के लिए, क्योंकि प्लेन में बहुत सारा एक्स्ट्रा सीट खाली था। कुल मिला के 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। प्लेन को काफी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना था। इसके बाद यहाँ से सैंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। उड़ान के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगी, इसलिए कैप्टन ने यह डिसीजन लिया कि हम मेंडोजा में ही रात रुकेंगे। अगली सुबह 13 अक्टूबर 1972 मौसम अब भी वैसे ही थी। पायलट ने कहा कि देखते हैं दोपहर तक शायद मौसम ठीक हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फाइनली खराब मौसम में ही दोपहर के 2:18 में फिर से ये प्लेन सैंटियागो के लिए उड़ान भरा। सैंटियागो के इस सफर में इस प्लेन को एंडीज के बर्फीले पर्वतों को पार करना था। को पायलट ऑलरेडी यहाँ पर 29 बार प्लेन उड़ा चुका था। शायद यही वजह है कि खराब मौसम में भी ये प्लेन सैंटियागो के लिए निकल पड़ा। फाइनली फ्लाइट 571 धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाले सारे पर्वतों को पार करने लगा। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट आगे कुछ भी देख पाने में असमर्थ थे। अगर मौसम अच्छा होता तो पायलट आसपास के नजारों को देखकर, पहाड़ पर्वतों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते थे कि प्लेन अभी कहां पर है। लेकिन आगे कुछ भी ना दिखाई देने की वजह से पायलट पूरी तरह से प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही डिपेंडेंट था और अपने लोकेशन का पता लगाने के लिए डेड रेकनिंग का यूज कर रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है। सपोज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है जो कि ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर है। आपका प्लेन 600 किलोमीटर एक घंटे में सफर कर सकता है। इट मींस ये प्लेन 2 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है। इसी कैलकुलेशन के साथ पायलट निकल जाता है और आसपास के नजारों को देखकर, एरिया को देखकर ये समझ जाता है कि हाँ, अब एयरपोर्ट आने वाला है। पर ये सब तो ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब पायलट आगे कुछ देख ही ना पाए? वो तो यही सोचकर फ्लाई करता रहेगा कि 2 घंटे में हम मुंबई पहुंच जाएंगे, और पायलट अंदाजे से 2 घंटों तक प्लेन को उड़ाता रहेगा। पायलट को अपना एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं चल पाएगा, वो सिर्फ अपने लोकेशन का एक रफ आइडिया लगा पाएगा। फ्लाइट 571 का केस भी कुछ ऐसा ही था। पायलट ने अपने लोकेशन का अंदाजा लगाया। उन्हें लगा कि हम एंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं, जबकि उनका प्लेन अब भी पर्वत के ऊपर ही फ्लाई कर रहा था। पायलट ने एटीसी से कहा कि हमें डिसेंड करने का परमिशन दे। एटीसी ने कहा कि क्या आप एंडीज को पार कर चुके हैं? यहाँ पर एटीसी भी पायलट के दिए हुए लोकेशन के हिसाब से ही गाइड कर रहे थे। पायलट ने कह दिया कि हम एंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं, इसलिए एटीसी ने कहा कि आप 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। अब पायलट धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करने लगा। तभी अचानक से उसे अपने सामने एक विशाल चट्टान दिखाई दिया। पायलट ने तुरंत प्लेन के योक को ऊपर खींच लिया। प्लेन अब वर्टिकली ऊपर की ओर फ्लाई करने लगा, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड भी कम होने लगा और फाइनली ये स्टॉल कंडीशन में चला गया, यानी कि प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और ये सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में ये हिल से टकराते हुए तब तक नीचे की ओर फिसलता रहा जब तक कि ये किसी समतल जगह पर आकर रुक न जाए। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। कैप्टन की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, वहीं को पायलट बुरी तरह से जख्मी थे। प्लेन का टेल टूटकर अलग हो चुका था। ये टेल टूटकर कहां गिरा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जब प्लेन टकराया तभी प्लेन का टेल टूटकर अलग हो गया, जिसकी वजह से कुछ पैसेंजर्स भी बाहर की ओर गिर गए। उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया।
45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग जिंदा थे, जिनमें से बहुतों को गंभीर चोटें आई। इन लोगों की जान तभी बच सकती थी जब इन्हें जल्दी से जल्दी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। प्लेन में दो यात्री मेडिकल के स्टूडेंट थे, वो दोनों घायल पैसेंजर्स की मदद करने लगे। नांदो नाम के एक यात्री के सिर में इतनी जोर से चोट लगी कि वो तुरंत ही कोमा में चले गए। नांदो के साथ उनकी माँ और बहन भी आई थी, वो दोनों भी काफी जख्मी थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिंदा बचे सभी 33 लोगों में से हर एक शख्स किसी न किसी तरीके से घायल थे। उधर रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द मिसिंग प्लेन को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्हें भी डर था कि अगर एक बार शाम हो गई तो रात के अंधेरे में हम किसी को भी खोज नहीं पाएंगे, और बर्फीले पर्वतों में ठंड इतनी अधिक होती है कि एक रात में ही यात्रियों की मौत हो सकती है। इसलिए कई सारे प्लेन्स एक साथ एंडीज पर्वत का चक्कर लगाने लगे कि आखिर कहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। घटना के अगले दिन फिर से 11 प्लेन्स को एंडीज के पर्वतों की ओर भेजा गया। उधर सारे पैसेंजर्स टूटे हुए प्लेन के अंदर किसी तरह से कड़ाके की ठंड में एक रात गुजार लिया। सुबह होने के साथ साथ भूख भी लगने लगी। प्लेन में थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान पड़ा हुआ था, जिसे खाकर सबका पेट तो नहीं भरने वाला, पर हाँ किसी तरह से दिन कट सकता था। सभी को ये उम्मीद थी कि हमें बचा लिया जाएगा। सुबह होने के साथ साथ एक नई उम्मीद की किरण भी दिखाई दिया। कुछ प्लेन्स उन्हें ढूंढने के लिए क्रैश साइट का चक्कर लगा रहे थे, पर सफेद बर्फ के चादर में सफेद प्लेन मानो ओझल सा हो गया। एक पैसेंजर प्लेन के लगेज से लिपस्टिक निकालकर टूटे हुए प्लेन के बॉडी पर चढ़कर SOS लिखने लगा, पर इतने छोटे से लिपस्टिक से इतने बड़े आकार का SOS लिखना कि ऊपर उड़ रहे प्लेन का पायलट देख ले, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। उधर कुछ पैसेंजर सारे लगेज को निकालकर X का सिंबल बना दिया, फिर भी कोई भी रेस्क्यू प्लेन का ध्यान उस निशान की ओर नहीं गया। दिन भर में करीब 3 बार रेस्क्यू प्लेन आया और चला गया। इसी तरह से एक दिन बीत गया। घटना के अगले दिन जब सर्वाइवर्स की नींद खुली तो पता चला कि 5 और लोगों की मौत हो गई। एक एक करके सभी लोग दम तोड़ते जा रहे थे, इसलिए सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम टूटे हुए सीट्स को निकालकर एक शेल्टर बना लेंगे। इस शेल्टर में उन्हें रखा जाएगा जिसकी हालत गंभीर अवस्था में हो, बाकी बचे लोग प्लेन के फ्यूजलेज में ही अपना रात गुजारेंगे। घटना के 3rd दिन प्लेन में खाना खत्म हो गया, पानी भी जमकर बर्फ बन गया। जिंदा रहने के लिए अब ना तो खाना था और ना ही पानी। एक पैसेंजर ने बर्फ को पानी में बदलने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने सीट में बर्फ डाल दिया और सीट मेटल से पैक कर दिया। दिन के समय में धूप से ये थोड़ा गर्म हो जाता और बर्फ पानी में बदल जाता। अब तक भी रेस्क्यू टीम सिर्फ आ रहे थे और जा रहे थे, कोई भी क्रैश हुए प्लेन को देख नहीं पा रहा था। उधर कोमा में गए एक पैसेंजर नांदो को 3rd दिन में ही होश आ गया। उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक दिन पहले ही उसकी माँ की मौत हो गई और बहन अब भी बुरी तरीके से घायल है। घटना के 4th दिन करीब 4 दिन से लगातार चमकीले बर्फ को देखते रहने से अंधेपन की शिकायत आने लगी थी। प्लेन के कॉकपिट में एक टोपी पड़ा हुआ मिला, जिसमें एक सनवाइजर भी लगा हुआ था। इसे निकालकर उन लोगों ने ब्रा के रबर और वायर की मदद से सनग्लास बना दिया, लेकिन एक सनवाइजर से सिर्फ 3 ही सनग्लास बन पाया। इसके बाद प्लेन के सीट को फाड़कर जूता बना लिया गया, ताकि इन सब की मदद से वो बर्फ में ठीक से चल पाए और मदद के लिए आवाज लगा सके। घटना के 8 दिन बाद नांदो की घायल बहन ने भी अपना दम तोड़ दिया। ज्यादातर पैसेंजर्स ने पहली बार बर्फ को देखा था, उन्हें ये आइडिया नहीं था कि किस तरह से इन बर्फीले पहाड़ियों में रात के समय -30 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान गिर सकता है। यही वजह है कि बहुतों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं थे। प्लेन के डेब्रीज में एक छोटा सा रेडियो पड़ा मिला। इस रेडियो में उन्हीं का न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा था कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। अक्टूबर के महीने में बहुत बर्फ पड़ती है, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम 2 महीने बाद जब बर्फ पिघलने लगेगी तब हम यात्रियों के बॉडीज को खोजना शुरू करेंगे। इस न्यूज को सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ। रेस्क्यू टीम अब ये मान चुके थे कि सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है, पर किस्मत का फेर देखिए, जिंदा लोग अपने ही मौत का न्यूज सुन रहे थे। घटना के 9 दिन बाद पिछले 4 दिनों से पैसेंजर्स ने कुछ भी नहीं खाया। ऊपर से ये न्यूज भी पता चल गया कि अब कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला। इट मीन्स आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही सभी यात्रियों की मौत होने वाली थी। आसपास कोई फूल पत्ती पेड़ पौधा भी नहीं था कि उसे खाकर जिंदा रहा जा सके। आसपास खाने के नाम पर सिर्फ एल्युमिनियम,
प्लास्टिक, बर्फ, पत्थर और कपड़े थे। कुछ पैसेंजर ने तो सीट के लेदर को ही निकालकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी के पैसेंजर ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि ये लेदर केमिकल से बना होता है, अगर इसे खा लिया तो मौत निश्चित है। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बाहर बर्फ में दबे बॉडीज को अगर खा लिया जाए तो इतना प्रोटीन मिल सकता है कि वो जिंदा बच जाएंगे। आने वाले दो दिनों के अंदर ही सभी की मौत होने वाली थी भूख से, इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम अपने ही मरे हुए दोस्तों का मांस खाएंगे। ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो सब अपने ही क्लासमेट्स, अपने ही क्लोज फ्रेंड्स थे, पर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। रॉबर्ट नाम के एक पैसेंजर ने सबसे पहले प्लेन के विंडशील्ड ग्लास को उठाया और बॉडी के मांस को काटकर खाना शुरू कर दिया। उसे देखकर कुछ और लोगों ने ऐसा ही किया। अगले दिन और भी लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा नहीं कर पाया। नांदो ने अपनी माँ और बहन का शव प्रोटेक्ट करके रखा ताकि इसे कोई ना खा जाए। जिन लोगों ने मांस खाने से इनकार कर दिया, आने वाले दो दिनों के भीतर ही उनकी मौत हो गई। बाकी के लोग इसी तरह से दिन गुजार रहे थे। को पायलट इस एरिया में 29 बार फ्लाई कर चुका था। इन घाटियों को उससे अच्छा और कोई भी नहीं जानता था। मरने से पहले उसने भी ये कहा था कि वेस्ट की ओर एक हिल है, उसे पार करने के बाद इंसानी बस्ती मिल जाएगी। ग्रुप में चार लोग जो सबसे स्ट्रॉन्ग थे, रॉबर्ट, नांदो, रॉय और एक मेडिकल स्टूडेंट, इन चारों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम उस विशाल हिल को पार करके मदद बुलाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सनग्लास, जूता और गर्म कपड़ों के साथ साथ मांस के कुछ टुकड़ों को भी लेकर अपने सफर पर निकल पड़े। कुछ घंटे बर्फ में चलने के बाद उन्हें पर्वत के नीचे प्लेन का पिछला भाग दिखाई दिया, जो क्रैश के वक्त टूटकर अलग हो चुका था। प्लेन के टेल में कुछ लगेज भी मिला, जिसमें बहुत सारे सिगरेट्स, शराब, चॉकलेट, कपड़े, कॉमिक बुक, लाइटर और कुछ मेडिसिन्स भी थी। उन्होंने तुरंत ही आग जलाया और ये फैसला किया कि हम इसी टेल में रात रुकेंगे। ये रात पिछले कई रातों से बेहतर थी। अगली सुबह वो फिर से निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगी। पिछली रात तो प्लेन का टेल मिल गया था, पर आज की रात उन्हें खुले आसमान में बर्फीले चादर में गुजारना था। इतनी ठंड में उन्होंने पहली बार रात गुजारा जहां पर कोई भी छत मौजूद नहीं थी। सभी लोग लगभग ठंड से मरते मरते बचे। अगली सुबह उन्हें समझ में आया कि खुले आसमान में रात गुजारना मतलब कि मौत को दावत देना। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि हम वापस प्लेन के टेल में चले जाएंगे, प्लेन के टेल में लगे बैटरी को निकालेंगे और इसके बाद इस बैटरी को फ्यूजलेस के पास ले जाएंगे और कॉकपिट के रेडियो को ऑन करके मदद बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बैटरी का वजन लगभग 25 केजी था। इतने वजन के बैटरी को लेकर हिल की चढ़ाई करके फ्यूजलेस के पास ले जाना सही आइडिया नहीं था। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सीधे फ्यूजलेस के पास जाएं और रेडियो को ही उठाकर बैटरी के पास, यानी कि प्लेन के पिछले हिस्से में ले आएं। इसके बाद अगर रेडियो ऑन हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रेडियो ऑन नहीं हुआ तो क्या किया जाए। रॉय नाम का एक टीम मेंबर था, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन था। उन्होंने कहा कि प्लेन का इलेक्ट्रिक सिस्टम 115 वोल्ट एसी करंट से चलता है, जबकि प्लेन के टेल में जो बैटरी लगा हुआ है वो एक डीसी करंट निकालता है, इसलिए पूरे बैटरी के सिस्टम को एसी में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो वापस प्लेन के टेल में चला गया और बैटरी में फेर बदल करने लगा, ताकि वो डीसी करंट को एसी में बदल सके। कुछ दिनों बाद वो सफल हो गया। इसके बाद वो रेडियो को लाने के लिए फ्यूजलेस के पास वापस जाने लगा, जहां बाकी के सारे लोग मौजूद थे। उधर फ्यूजलेस के पास एक तेज तूफान आया। बर्फ के खिसकने से पूरा प्लेन का फ्यूजलेस बर्फ के अंदर दब गया। इस तूफान में 8 और लोगों की मौत हो गई। बाकी के सारे जिंदा पैसेंजर्स भी बर्फ में दफन हो चुके थे। रॉय, जो रेडियो ऑन करने के लिए फ्यूजलेस के पास जा रहा था, वो भी इसी तूफानी बर्फ के चपेट में आ गया। फ्यूजलेस के अंदर अब धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है। अगर जल्द से जल्द बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिले तो सभी लोगों की मौत दम घुटने से हो जाएगी। फ्यूजलेस के अंदर सभी जिंदा पैसेंजर 3 दिनों तक बर्फ में दबे रहे, बर्फ को खोदते रहे और भूख लगने पर अपने ही दोस्तों का मांस खाते रहे। नांदो, रॉबर्ट और विंजिन 3 लगातार 10 दिनों तक चलते रहे। रात के ठंड से बचने के लिए तीनों मोटे कपड़े पर लेट जाते थे और अंदर कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाते थे। इसी तरह से वो पूरी रात गुजार देते थे।
फाइनली 10 दिनों के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दिया। वहां कुछ लोग नदी के उस पार लकड़ी जमा कर रहे थे। नांदो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, पर नदी का शोर इतना अधिक था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नांदो ने इशारा किया, एक विलेजर उसके इशारों का जवाब देते हुए कहा कि टुमारो। खैर उस दिन तो कोई मदद नहीं मिला। अगले दिन वो विलेजर अपने साथ एक पेंसिल और पेपर लाया और पत्थर से लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। नांदो ने कागज उठाया और पेंसिल से लिखा कि हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है, पिछले 10 दिनों से हम भटक रहे हैं, हम और चल नहीं सकते, हमारी मदद करो। उसने सारी कहानी पेपर में लिख दिया और वापस पत्थर पर लपेट कर फेंक दिया। जैसे ही उस विलेजर ने पेपर पढ़ा, उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसे भी ये पता था कि कुछ सप्ताह पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। इवन कई बार तो इस एरिया में भी पूछताछ के लिए लोग आए थे। खैर वो विलेजर तुरंत ही पेपर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उधर गांव के दूसरे लोग नदी के किनारे पहुंच गए और उन तीनों को खाना खिलाया। करीब 10 घंटे बाद आर्मी की हेलीकॉप्टर पहुंच गई। तुरंत ही हेलीकॉप्टर को प्लेन के फ्यूजलेज के पास भेजा गया, जहां अब भी कई लोग जिंदा बचे हुए थे। इस तरह से हादसे के करीब 71 दिन बाद सभी जिंदा पैसेंजर्स को बचा लिया गया। 13 बॉडीज सही सलामत थी, वहीं 15 लोगों की सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई मिली। वहां के अथॉरिटी ने यह फैसला किया कि सभी को क्रैश साइट में ही दफन कर दिया जाए। इस हादसे में 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही बच पाए। यह हादसा दुनिया के सबसे भयानक हादसों में से एक था। करीब 3 महीने बाद 18 जनवरी को सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यही वो जगह है जहां सभी के बॉडीज दफन है। उन सभी का नाम भी यहां पर अंकित है। प्लेन का फ्यूजलेज जो बर्फ में दफन हो गया था, वो आज भी उसे हिल में कहीं दबा हुआ है। 1995 में कुछ विजिटर्स ने इसे भी खोज निकाला। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।